तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जुबेर अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो कोई ट्रैवल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है केदारनाथ ट्रिप के बारे में। ये एपिसोड पहला है, फिलहाल तो अभी घर पे ही हम, जहाँ पे हम अभी अपना बैग पैक वगैरह करेंगे। तो हमारे पास अभी 24 लीटर का बैग, तो जो हमारी राइड होने वाली है केदारनाथ वो काफ़ी ज़्यादा ही औसम होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम अपना बैग पैक वगैरह कर रहे हैं और इसमें देखते हैं हमारा क्या क्या सामान जो रह गया है अभी। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं कि हम बैग में क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैरी करने के लिए सबसे बड़ा बैग, जो कि है 64-65 लीटर का, जिसमें हमारा काफ़ी सारा सामान आ जाएगा और ये फुली वाटर प्रूफ है। इसके अंदर हम ले जाने वाले हैं 2 जैकेट्स, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह होगी, तो इसके लिए एक लोअर और एक पैंट, क्योंकि इतना ज़्यादा का ट्रिप होगा नहीं जिसमें, और एक कंबल रात को ठंड वगैरह अगर बढ़ेगी तो इसके लिए 2 चादरें हैं अपनी। और कैंपिंग करने के लिए अपने पास 2 कैंप हैं, जिसमें से हम एक अपना लेके जाएंगे अगर बाई चांस हमें वहाँ पे कैंप वगैरह लगाना पड़ गया तो, इसलिए। और कैंप के ऊपर अगर रात में बारिश वगैरह कुछ हो जाती है बाई चांस, तो उसके लिए हमने तिरपाल ले लिए जो हमें बचाए रखेगी उससे। एक विंग सीटर जो कि मैं यहाँ से पहन के निकलूँगा, प्लस एक कॉपी और एक डायरी है जो मैं नोट डाउन करूँगा, बाकी रेनकोट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीच रास्ते में अगर बारिश वगैरह आ गई तो हम भीगेंगे नहीं। कैप हो गया और ये सनग्लासेस है, ये रात के लिए मतलब लाइट वगैरह जो आंखों में ना पड़े, इस वजह से ये सनग्लासेस है। ये चेस्ट माउंट है मेरा और ये मेरा गोप्रो। और ग्लव्स अपने लेके जा रहे हैं और ये फेस मास्क और हेड मास्क हैं, जिससे धूल वगैरह से हम प्रोटेक्ट रहे। बाकी फ़िलहाल अभी करते हैं पैकिंग वगैरह और उसके बाद जो जो सामान अभी हमारे पास कम है उसको लेके आएंगे अभी और उसे भी दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी जो जो सामान अभी कम रह चुका है उसे भी अभी लेके आते हैं और देन उसके बाद अपने पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल सुबह हमें 6 बजे यहाँ से प्रॉपर निकलना है, क्योंकि यार काफ़ी लंबा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे रूट पर मैं जा रहा हूँ, वो भी अकेले। दोस्त वगैरह हैं उनकी सबकी अपनी अलग पैकिंग हो रही है, क्योंकि अलग अलग बाइक से जाएंगे। पहले तो हम लोकल देहरादून में अपना घूमते थे, इस वजह से इतना दिक्कत नहीं होती थी, बट इस बार काफ़ी लंबा ट्रैक होने वाला है। तो आई होप आप फुली सपोर्ट करोगे, हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहे यार गाइस, ऐसे करते करते बहुत आगे तक जाना है। तो अभी फ़िलहाल ये पैक करते हैं, देन उसके बाद जो सामान रह गया उसको लेके आते हैं, वो भी बताते हैं आपको हमें क्या क्या लेना है। अभी आनंद का फ़ोन आया है तो मार्केट जाना है हमें, थोड़ा सा सामान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बंजी वगैरह लेनी है हमें, 1-2 सामान वैसा है, और हेलमेट, हेलमेट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो ये रहा हेलमेट, इसका जो है अभी वाइजर वगैरह हमने टूट गया था तो दूसरा आज हम इस पर लगवाएंगे। और ये रहा मेरा खुद का पर्सनल हेलमेट, जिसमें मेरा हेलमेट माउंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। फिलहाल अभी इन्हें पैक करते हैं और उसके बाद चलते हैं आनंद के पास। तो फाइनली अपना जो है बैग पैक वगैरह हो गया है, तो अभी अनंत का भी आया है मेरे पास फोन, तो वो कह रहा है भाई जल्दी आ जा, जाना है। तो ये रहा मेरा बैग जो कि पूरे फाइनली पूरा पैक हो चुका है, तो ज़्यादा सामान तो हम लेके जाने नहीं है, बड़ा बहुत सामान है जो कि हम 4 से 5 दिन में अपना कवर कर लेंगे, इतना है। बाकी मिलते हैं फिलहाल अभी बाहर पे, क्योंकि हमें अभी थोड़ा सा जो सामान रह गया है वो लेने जाना है। तो चलते हैं फिर, अभी मिलते हैं आप लोगों से बाहर। तो अभी ना गाइस हमें यहाँ पे आज के सामान वगैरह लेने हैं, तो हेलमेट का ना वाइजर भी डलवा लिया हमने, देखने कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हेलमेट का वाइजर वगैरह हमने डलवा लिया, अब जो थोड़ा बहुत सामान है ना वो ले रहे हैं। ये रही वो शॉप जहाँ पे मिलता है सब कुछ, ये देखिए कलुआ, ठीक है। तो फाइनली गाइस जो है हम सामान वगैरह सारा कुछ लेके आ चुके हैं, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या सामान लेने गया था, थोड़ा सा ही सामान है, ज़्यादा सामान। एक लाया हूँ रेनकोट जो वहाँ के पहनने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। गाड़ी की चैन स्प्रे वगैरह, क्योंकि गाड़ी बीच रास्ते में अगर कहीं पे धूल वगैरह इतनी ज़्यादा होगी कीचड़ वगैरह, तो उसके लिए मैं लाया हूँ चैन स्प्रे। बाकी चैन क्लीनिंग के लिए ये चैन क्लीनर, और ये रस्सिया जिससे हम अपने बैग वगैरह जो है असम्बल करेंगे बाइक पे पीछे, और ये रहा है चैन ब्रश जो कि साफ़ सफाई के लिए काम आएगा हमारे। बाकी फाइनल सामान इतना ही था हमारा, और उम्मीद है आई होप ये
ब्लॉग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और इस ट्रैक में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, तुम्हारे भाई की ये यात्रा जो है एकदम अच्छे से जाए, बहुत बढ़िया रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। डेली अपडेट तो नहीं दे पाऊँगा गाइस यार आप लोगों को, पर डे बाई डे जो है दे सकता हूँ, देखना पड़ेगा वो भी जिस हिसाब से वहाँ पर नेट वगैरह होगा। भाई साहब फिलहाल तो अभी हालत ख़राब हो गई है, तो अभी पहले खाना वाना खाते हैं और उसके बाद पैकिंग तो अपनी हो ही गई है लगभग। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस जल्दी से जाके जो सब्सक्राइब बटन दबा दो, आने वाली जो वीडियोज़ है ना काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। मिलते हैं।